खाने के फौरन बाद ये चार काम नहीं करने। सबसे पहले तो आपने खाना खा के फौरन सोना नहीं है। सेकंड, आपने खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना। थर्ड, आपने खाने के फौरन बाद आपने कोई भी सोयाबीन या मीठे का इस्तेमाल नहीं करना जो आपको ओवरवेट की तरफ लेकर जाएगा। फोर, आपने खाने के बाद एक आदत बना लेनी है, आपने वॉक या छोटी एक्सरसाइज जरूर करनी है ताकि आपका डाइजेशन सिस्टम फास्ट हो सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनल डॉक्टर अकीला मुश्ताक। आपको जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ, इस पर अमल करने से पहले आपने ज़रूर सुन लेना है मैंने आपको कौन सी चीज़ें मना की हैं और कौन सी इस्तेमाल करने के बताने लगी हूँ। रात खाने के बाद आपने ये चार काम बिल्कुल नहीं करने। कौन कौन से ऐसे काम है? खाना खाने के फौरन बाद आपने सोना नहीं। अगर आप सो जाएंगे तो आपका ग्रोथ हार्मोन स्लो हो जाएगा, वरना जिसकी वजह से आपको जो डाइट के न्यूट्रिएंट गए हैं वो आपको फैट की फॉर्म में डाल देंगे। दूसरा, आपने जब भी खाना खाना तो आपने वॉक ज़रूर करनी है। वॉक लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने 10 मिनट की कर सकते हैं, 20 मिनट की कर सकते हैं, खाने के 1 घंटे बाद आप एक्सरसाइज या कोई भी छोटे छोटे स्टेप्स कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होगा। तीसरा स्टेप, आपने खाना लेट नहीं खाना, जितना हो सके आप अराउंड 10 से पहले इंटेक कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी सबसे बेस्ट टाइम होता है 7 to 8 होता है, जो आपको हेल्दी इश्यूज की आपको हेल्थ की तरफ लेकर जाएगा। जो आपके हेल्थ के इश्यूज आ रहे होंगे उनको मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। तीसरा स्टेप जो बहुत सिंपल है, हर खाने के बाद पानी बिल्कुल इनटेक ना करें। पानी इनटेक करने से आपके डाइट के अंदर आपको एक जो होता है कि ओवर ईटिंग फीलिंग आना शुरू हो जाती है, या आपको लगता है बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, जिसकी वजह से आप अपने खाने को ही बुरा कहते हैं, लेकिन आप पानी के इनटेक ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपको हेल्थ इशूज ज़्यादा आते हैं। फोर एंड लास्ट स्टेप आता है कि जब भी खाना वगैरह खाएं तो उनके साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और जो मर्द हज़रात हैं, खाने के फौरन बाद तम्बाकू नोशी बिल्कुल ना करें। ये करने से आपके डाइट के अंदर स्टमक में जितने हेल्दी न्यूट्रिएंट जाते वो आपके स्टमक में जाकर डिस्टर्ब होने की वजह से वो वेस्ट ऑफ मटेरियल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका लीवर के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन आना शुरू हो जाती है। और अक्सर लोगों को, अक्सर मर्द हज़रात को फैटी लीवर और उसके साथ साथ एब्डोमिनल फैट इस वजह से है, वो खाने के बाद मीठे का इस्तेमाल या तम्बाकू नोशी करते हैं, जिसकी वजह से इनको ये हेल्थ इश्यूज होते हैं। एज अ डाइटेशन में आपको ये 4 स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं और साथ इसके साथ डू एंड डोंट्स भी बता दिए, सो यू शुड फॉलो दिस, बिकॉज इसके बेनिफिट आपकी बॉडी को ही मिलेंगे। और इसके बेनिफिट लेने के लिए इन स्टेप को जरूर फॉलो करें। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे दिए हुए नंबर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड डाइट प्लान चाहते हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन एंड फिजिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू।